कोरोना वायरस के पेश नजर दुनिया भर से अजीब और गरीब वाकयात सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों को आसेब जदा घरों में बंद किया जा रहा, लेकिन अब एक हिंदू नौजवान ने वायरस को रोकने के लिए जबान ही काट ली। मीडिया के मुताबिक रियासत गुजरात से ताल्लुक रखने वाला 24 साल नौजवान विवेक शर्मा लॉकडाउन की वजह से अपने आबाई घर मध्य प्रदेश नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था। कोरोना वायरस की वजह से परेशान नौजवान ने काली माता के मंदिर में अपनी जुबान काट कर बतौर कुर्बानी पेश कर दी, ताकि इसकी कुर्बानी से वबा रुक सके। नौजवान के साथियों ने बताया कि वो भवानी माता के मंदिर में तौसी का काम कर रहा था और बाजार जाने का कह कर गया, जिसके बाद एक अजनबी की जानिब से उन्हें एक कॉल आई, जिन्होंने बताया कि विवेक मंदिर में बेहोश पड़ा है, उसकी जबान भी कटी हुई है। बाद हजार नौजवान को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।